अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी बन जाती है और बहुत ही खुशबूदार होती है, और आपको लगेगा ही नहीं आपने इसे घर में बनाया है। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके इसका पानी मैंने रिमूव कर लिया है। इसके साथ आपको फ्राइड अनियन ले लेना है, टमाटर लेना है, कुछ हरे मसाले हैं, मिंट लीव्स है, कोरिएंडर है और हरी मिर्ची है, और ये मैंने चिकन ले लिया है। और इसमें 1.5 teaspoon मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया, 1 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है इसमें, साथ ही मैं 2 tablespoon मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अगर आप कम तीखा खाते होगे तो आप कम डालिएगा, मुझे स्पाइसी बिरयानी पसंद है तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है। 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर देंगे हम इसमें, और साथ ही मैं 1 teaspoon गरम मसाला ऐड किया है, और 1/2 teaspoon मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जो आपको डाल देना है, एक साथ हम इसे डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर शामिल कर दिए, ये स्लाइस टमाटर है, आप चाहो तो छोटे छोटे बारीक करके भी डाल सकते हो, और ये फ्राइड अनियन है, ये मैंने 1/2 cup डाला है और 1/2 cup मैंने रख दिया, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। कुछ ग्रीन चिलीज़ है और फ्रेश करिएंडर मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और साथ ही में हम इसमें मिंट लीव्स भी डाल देंगे, बिरयानी में ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक जो है लेमन ले लिया है मैंने, इसका फ्रेश जूस डाल देंगे हम, और 1/2 cup के तकरीबन 200 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड कर दिए, और हमें इसे मिक्स कर देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। जब तक हम मिक्स करेंगे, जब तक चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाए, चिकन पे अच्छे से मसालों की एक कोटिंग ना हो जाए, तब तक हमें इसे मिक्स करना है इस तरह से। और साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे 2/3 cup ऑयल है, ये मैंने इसी में जो है अनियन को फ्राई किया था, तो ये वही ऑयल मैंने शामिल किया है, तो इसे भी आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। आपको इसमें कच्चा तेल नहीं डालना है, आपको जो भी आप अनियन वगैरह ब्राउन करोगे वही ऑयल इसमें ऐड करना है, या तो आप उसकी जगह पे घी डाल सकते हो, और इसे रख देना है मैरिनेशन के लिए। कम से कम आपको 1 घंटा रखना है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 घंटे और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने राइस ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, 750 ग्राम राइस लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने पानी भी रख दिया था बॉईल करने के लिए, तो जब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसमें खड़े गर्म मसाले डाल देंगे, जो कि मैंने लिया है कुछ क्यूमिन सीड है, बे लीफ है, और सिनेमन स्टिक है, लौंग वगैरह है, और 2 से 3 हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही में हम इसमें फ्रेश लेमन जूस ऐड कर देंगे, इससे आपके चावल चिपकेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा खुले खुले बनेंगे। और साथ ही में हमें इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो सॉल्ट। यहाँ पर पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है, तो अभी हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, ये मैंने सारा राइस एक साथ ऐड कर दिया है इसमें, और इसे राइस को हमें 80% तक ही कुक करना है, 80-85% कुक करना है, जो 15-20% बचेगा उसे हम दम पे पकाएंगे। तो यहाँ पर राइस में अच्छे से बॉईल आ गया है, तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि आपके राइस जो है ओवर कुक ना है, सिर्फ 80% आपको इसे पका के ले लेना है। ये मैंने कुक कर लिया है 80%, अभी हम इसे निकाल देंगे राइस को, ये मैंने निकाल दिया है। मैंने चिकन को बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है, अभी हमें चिकन को अच्छे से भून लेना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं और जो भी इसमें हमने टमाटर वगैरह ऐड किया है वो अच्छे से पक जाए और चिकन भी इसमें कुक हो जाए। तो ये इस तरह से हमें अच्छे से चिकन और मसालों को भून लेना है, और मसालों में से जब तक तेल सरफेस पर नहीं आ जाए तब तक हमें चिकन को पका लेना है इसमें, इस तरह से आप इसे भूनते जाइए। ये ऑलमोस्ट मैंने इसे 7-8 मिनट भुना अच्छे से, तो मेरे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अभी भी
थोड़ा सा इसको पकाना बाकी है, तो हम इसे और भी थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक पूरा तेल ऊपर ना आ जाए तब तक हमें भून लेना है अच्छे से। हमारे मसाले कच्चे नहीं होने चाहिए, वरना आपकी चिकन बिरयानी तो बन जाएगी लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा अगर आपके मसाले अच्छे से नहीं कुक हो गए तो। इसीलिए हमें मसालों को अच्छे से कुक कर लेना है। और साथ ही में मैंने 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाला है, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यही स्टेज पे आपको केवड़ा ऐसे और वाटर आप जो भी है वो ऐड कर सकते हो। और अभी हम इसे 10 मिनट ढक के पकाएंगे। जो भी हमारा चिकन है वो पक जाएगा अच्छे से। और जो देखिए अभी ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। अभी हमें सिर्फ इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले हमारे चिकन में बराबर से मिक्स हो जाए। तो अभी हम इस स्टेज पे इस राइस को ऐड कर देंगे, चावलों को इसमें ऐड कर देंगे। हम एक लेयर बना देंगे चिकन के ऊपर चावलों की। तो इस तरह से मैंने सारे चावल डाल दिए और इसका एक लेयरिंग कर दिया है। और इसी के साथ आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का फूड कलर था तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। यह टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिएगा। और साथ ही में जो हमने ब्राउन अनियन रखे थे उसे भी हम डाल देंगे, जो हमारे फ्राइड अनियन है उसे ऐड कर देंगे। थोड़े से हम मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे इस पर। और साथ ही में इसमें मैंने केवड़ा एसेंस भी डाला है, तो आप इस स्टेज पे उसे 1 टीस्पून ऐड कर सकते हो। और ये मैंने चावलों की सेकेंड लेयर भी लगा दी है। और सेम प्रोसीजर आपको करना है यहाँ पर भी, आपको वापस से ब्राउन अनियन मिंट एंड कोरिएंडर को ऐड कर देना है। ये कुछ लेमन स्लाइसेस थे मेरे पास तो वो भी मैंने ऊपर से रख दिया है। और ये मैंने ऑयल लिया है, जो हमारा 1/4 कप ऑयल बचा था इसमें 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया था, गरम मसाला पाउडर। और उसे मिक्स करके अच्छे से मैंने इस पे डाल दिया है। मेरे पास ये फॉइल पेपर था तो मैंने फॉइल लगा दिया है, आप चाहे हो तो कपड़ा भी लगा सकते हो। और इसे हमें दम पे रख देना है स्लो फ्लेम पे, 20 to 25 मिनट्स आपको इसको रख देना है अच्छे से। तो यहाँ पर 25 मिनट्स हो गया है तो मैंने ये बिरयानी को निकाल दिया है। इस तरह से हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और ये देखिए मैं आपको इसे बिरयानी को निकाल के भी बता देती हूँ, चावल कहीं से भी टूटे नहीं है और बराबर से कुक हो गए हैं। चिकन भी आपका ओवर कुक नहीं हुआ है। तो आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छे से बनेगी और खुशबूदार भी बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।